बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चाइना ने इस वक्त पूरी तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने मनाजिर भी जारी करना शुरू कर दिए हैं कि हमारी पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है, हमारे फौजी ट्रक्स ये तमाम चीज़ें रवाना हो रही हैं और इवन के टफ जो विंटर आने वाला है हम उसके लिए तैयार है। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने हर तरह बताया है कि देखिए हमारे फौजियों के पास अच्छी थर्मल जैकेट्स हैं, बूट्स हैं, पोंचोज हैं और 3-in-1 स्लीपिंग मैट है, स्लीपिंग बैग उनके पास है, शेल्टर, तमाम की तमाम चीज़ें जो हमने दे सकते थे -40 to -50 degrees के अंदर जो भी लड़ने के लिए 16,400 फीट की बुलंदी पर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमने अपने फौजियों को प्रोवाइड कर दी हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इंडियन फौजियों का मोराल डाउन करने के लिए मनाजिर पूरी दुनिया को दिखाए कि देखिए हमारे पास ये तमाम चीज़ें तैयार हैं और हमने अपने फौजी वक्त से पहले रवाना करना शुरू कर दिए। इनमें से बहुत सारे, चाहे वो चाइनीज़ फौजी हो, बहुत सारे इंडियन फौजी हो, ये शायद अब वापस ना आए क्योंकि ये सर्दियाँ इंडिया और चाइना की तारीख की सबसे ज़्यादा टफ सर्दियाँ होने जा रही हैं। और आप गेम ऑफ थ्रोन्स का जो वो एक फ्रेज है उसको याद करें, विंटर इज कमिंग, एग्जैक्टली ये सूरत हाल होने जा रही है। इंडिया की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन्होंने यूरोप, अमेरिका और हर जगह पर मार्केट के अंदर इंटरनेशनल जगहों के ऊपर अर्जेंट सप्लाईज का कहा है कि हमारे फौजियों को आप ये चीजें प्रोवाइड करें, उन्होंने जाना। और अभी तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है, तकरीबन उन्होंने जितने डिप्लॉयमेंट करनी है और जितनी सख्त तैयारी चाइना ने की है उसके मुताबिक इंडिया के पास अपने फौजियों को देने के लिए साजो सामान ही नहीं है। देखिए ये वो जगह है जहां पर अगर आप सिर्फ अच्छा थर्मल जैकेट दे दें, आपका जो स्लीपिंग मैट है वो अच्छा हो, ऑक्सीजन प्रॉपर हो, खाना अच्छा हो, इस सूरत हाल के अंदर आप टॉप पर ड्रोन से चीजें पहुँचा सके, अगर आप यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर ले तो समझ लीजिए यही बड़ी बात है। हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है, कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें, शुक्रिया। अब चाइना ने तो पूरी तरह अपने फौजी रवाना कर दिया है, उन्होंने ये वो फौजी हैं जिनको पिछले 2-3 साल के अंदर अच्छी खासी ट्रेनिंग दी थी और सिर्फ सर्दियों के लिए, यानी इवन कि आप अंदाजा कर ले जो इन्होंने वहां पर बैरक्स बनाए हैं थर्मल बैरक्स वो इतने कमाल के हैं कि आसानी के साथ चाइना की फौज इंडिया पर धावा बोल सकती है। लेकिन इस वक्त इंडिया के पास करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा, यानी आप अंदाजा कर ले चाइना ने काम ये किया है कि उन्होंने पहले तैयारी की थी, उन्होंने एक नई किस्म की चीजें मुतारिफ करवाई कि आपके फौजी एक तो जो इनकी जैकेट होती है वो लाइट वेट हो, वो इजीली ऊपर चली जाए। अभी सूरत हाल के अंदर चाइना आसानी के साथ इंडिया के इलाकों पर कब्जा भी कर सकता है अगर इंडियन फौजियों के पास सामान ही नहीं, यानी आप समझ लें तकरीबन 30 से 35% तक अब जितनी इन्होंने डिप्लॉयमेंट करनी है वो सामान आया है। और वो याद रखिएगा ये वही सामान है जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है, चाइना ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो बूट उन्होंने स्पेशल बनाए हैं कि ज़्यादा देर तक आपने रहना है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, इंडिया जो ख़रीद रहा है वो अमेरिका से उन्होंने अपनी एम्बेसिस के थ्रू, और ये तमाम चीज़ें जो ख़रीद रहा है वो वही चीज़ें जो बनी बनाई होती है आप किसी मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी इतने डिग्री के लिए उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं होती जो हमेशा से बनी बनाई है। ये इंडिया को अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है, यही वजह है कि मोदी इस वक्त शदीद परेशान है। आप ये देखिए कि इंडियन आर्मी चीफ इस वक्त अंबाला के अंदर राफेल तैयारों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। यही वो मौका है कि मोदी ने इस वक्त सूरत हाल, उसको बिल्कुल अंदाजा है कि मामला हमारे खिलाफ क्या होने जा रहा है। आप ये देखें कि इतने महीने गुजर गए, एक दफा भी उसने चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया, और इवन के हालत यह है कि चाइना के अंदर से लगातार इस तरह की धमकी आ रही है कि तुम ताइवान कार्ड खेल रहे हो तो हम तुम्हारे अंदर, यानी खालिस्तान, कश्मीर और उसके अलावा 7 सिस्टर रियासत से इनको अलग करने के लिए पूरी तैयारी करें, ओपनली वहां से इतनी धमकी आ रही। लेकिन इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को पता है कि विंटर की तैयारी ने, यहां पर असल मार्का शुरू होने जा रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह तैयार है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में अफरा तफरी अचानक बढ़ गई है, जलसों की, जलूसों की, इमरान खान इसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर मैनेज करे क्योंकि फौज का काम यह है कि इस वक्त इंडिया को हमने दबोचना है दूसरी साइड से। आप ये देख लें इस वक्त इंडिया ने मालाबार एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया, जापान को बुला लिया,
अमेरिका को बुला लिया और खुद भी, ये तमाम मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। और इवन के DF-17 जो चाइना ने डिप्लॉय किया है अमेरिका के ख़िलाफ़ भी आप समझ लीजिए, उसकी वजह यह है कि हमला तो उन्होंने ताइवान पर करना है लेकिन उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अमरीकी बेसिस को भी टारगेट बना देना अगर उन्होंने कहा है कि अमरीका ने ज़रा सी भी मुदाखलत करने की कोशिश की। ये ज़हन में रखिएगा, ये खाली चाइना और इंडिया के लिए विंटर टफ नहीं होने जा रहा, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी होने जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी फ़ौज की भी तैयारियां हैं, हमारे फ़ौज भी डिप्लॉयमेंट इस वक्त पूरी तरह हो रही है, हम भी उन इलाकों के ऊपर कैप्चर करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि प्लान हमने नहीं बना कर रखा होगा? पूरी तरह प्लान है कि किसी भी वक्त भी ये लड़ाई शुरू हो सकती है और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जितना ज़्यादा फौज को डिसंगेज रखें आप ये पॉलिटिकल मामलात से, इतनी आसानी के साथ वो इंडिया और दूसरे फ्रंट से चढ़ाई कर सकते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इस वक्त इंडिया के तकरीबन 25,000 से 30,000 ऐसे फौजी हैं जो अपनी तबई मौत भी मर सकते हैं। और इवन के हालत ये है कि आप अंदाज़ा कर लें, ऐसा आम तौर पर कभी भी नहीं होता लेकिन इंडिया ने इस वक्त ताबूत और कफन जितनी तमाम चीज़ें हैं उन्होंने बाय करना शुरू कर दी हैं, उन्होंने उसका स्टॉक रखना शुरू कर दिया कि किसी भी बकवास से हमें अपने फौजियों की बाकियात लाना पड़ सकती हैं। ये आप तैयारी समझ लीजिए इंडिया के इस लेवल पर है। याद रखिए जब कारगिल का इशू हुआ था तो इनके पास ताबूत भी नहीं थे और जब ताबूत खरीदने के लिए मामला आया तो बाद में पता चला कि उसके अंदर करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। अब इंडिया ने पहले से ताबूत अगर खरीदना शुरू कर दिया तो आप अंदाज़ा कर लें, उन्होंने स्टॉक अगर जमा करना शुरू कर दिया तो उनको अंदाज़ा है कि मामला किस लेवल तक ख़राब जा सकते हैं। चाइना के लिए ये बड़ा टफ मार्क है। देखिए उनकी जो नस्ल अब लड़ रही है वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, ये जहन में रखिएगा। 1979 के बाद जो उन्होंने कानून बनाया था एक बच्चे का, ये जो इनकी पूरी फौज है ये उसी नस्ल से है, यानी ये अपने माँ बाप के इकलौते हैं, लिहाजा इनकी जान बचाना भी चाइना के लिए बड़ा ज़रूरी है और इनका मोराल हाई रखना भी। अभी तो हमने सबने देखा कि किस तरह इंडिया ने गाने बजाना शुरू कर दिए, इनको धमकियाँ देना शुरू कर दी, इंडियन फौजियों का मोराल बिल्कुल गिरा हुआ है। देखिए पिछले काफ़ी अरसे से इंडियन फौजियों की हालत बुरी है, उसकी क्या वजह है? आप हर जगह पर मार खा रहे हैं। 27 फरवरी का वाकया हुआ, अगर मीडिया पर खबर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ की फौज को नहीं पता कि पाकिस्तान के जहाज घुसे थे और मार कर गए हैं और वहाँ पर अभिनंदन का वाकया, ये तमाम चीज़ें उनकी फौज के अंदर और एयरफोर्स को पता है। उनका मोराल गिरा हुआ है, उनको पता है कि हमारे 250 फौजी इन्होंने पहाड़ियों से नीचे गिराया है, मोदी एक लफ्ज़ नहीं बोल सका, लिहाजा इस सूरत हाल में उनका मोराल बुरी तरह गिरा है। और सबसे ज़्यादा जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि उनके पास सामान नहीं है। आपके पास सादो सामान नहीं होता तो आप अपने फौजियों को नहीं खड़ा कर सकते। आप ये देखिए कि आम रूटीन के अंदर उन्होंने चाइना के फौजियों से क्या लड़ना है। अभी तो चाइना और पाकिस्तान ने जो सरप्राइज देने हैं वो इंडिया को अच्छी तरह पता है कि बड़े खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि बर्फानी तोदे गिर सकते हैं, वो मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सरप्राइज अभी तक उनको नहीं पता कि किस वक्त किसी जगह पर ये हमला कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात वो बार बार कहे जा रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, वो कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त तैयार रहे, पाकिस्तान दूसरे फ्रंट से हमला कर सकता है। किस लेवल का करेगा, क्या करेगा, ये अभी तक उनको नहीं पता। एग्जैक्टली यही बात जिस तरह चाइना के सदर ने कहा था कि एक ब्लैक स्वान आने वाला है और 2019 के शुरू में बता दिया था उन्होंने कि ऐसा कोई चीज़ दुनिया में आने वाली है, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, जिसके असरात पूरी दुनिया को हिला देंगे। ठीक 8-9 महीने बाद कोरोना पूरी दुनिया के अंदर आ गया और आप देख लीजिए क्या हाल है। एग्जैक्टली इंडिया के पास यही रिपोर्ट है कि कुछ होने वाला है लेकिन ये उनको नहीं अभी तक पता कि क्या होने वाला है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।